हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का बिल्कुल वायरल पेपर, जो आप सभी का 2023 में यानी कि अक्टूबर महीने में क्या होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हम विज्ञान का आप सभी को ये जो पेपर बता रहे, ये बिल्कुल वायरल पेपर है और यही पेपर आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम साइंस में आप सभी को बिल्कुल यही पेपर मिलेगा। ठीक है, यही पेपर आएगा। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो साइंस का, तो आप सभी का इस बार यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में विज्ञान में आप सभी का 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। आप लोग बिल्कुल टॉपर बनोगे। ठीक है, अगर आप लोग इस पूरे साइंस के पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन। ठीक है, यानी जितने भी रिएक्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, सभी को हम काफी अच्छे से आपको समझा कर बताएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लिए तो आप लोगों के लिए ये साइंस का पेपर है, साइंस जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सरल हो जाएगा। इतना अच्छा से हम आप सभी को यहाँ पे बताने वाले पूरे के पूरे उत्तर के साथ और बिल्कुल यही पेपर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखना है। जो भी आप सभी का अनुक्रमांक है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, आप सभी को अपना हस्ताक्षर करना है। जो भी नाम है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। और इसके बाद देखिए, ये अर्धवार्षिक परीक्षा का 2023 में आप सभी के एग्जाम हाफ ईयरली चलेगा। इसके बाद ये विज्ञान का, और इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और ये 15 मिनट में आप सभी को इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। पूर्णांक इसका 70 रहेगा। ठीक है, यानी 70 नंबर का ये रहेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे निर्देश दिया, उसको भी पढ़ना आपके लिए काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट आप सभी को इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, आप सभी को पढ़ना है कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है उसको पहले करना है, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड और खंड ब। ठीक है, नेक्स्ट है खंड अ तथा जो खंड ब है यानी 3 उपखंडों में क्या है, ये विभाजित है। खंड अ जो है क्या है कि यहाँ पे 3 उपखंड, उपखंड क, उपखंड ख, उपखंड ग में विभाजित है। ठीक है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में विभाजित है। और प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके आप सभी को OMR सीट पर सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये OMR सीट है, इसी पर आप सभी को क्या करना है, पूरे आंसर को भरना है। किस तरह से, अभी हम आप सभी को सब कुछ यहाँ पे भर के बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये वाला निर्देश काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ आपको हल करना आवश्यक है। ठीक है, और प्रत्येक उपखंड के नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, यानी आप सभी को अगर आप लोग उपखंड क के क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप लोग उपखंड क के क्वेश्चन को ही सिर्फ उपखंड क में कीजिए। ये नहीं कि उपखंड क के आधे क्वेश्चन को आप लोग किए और आधा क्वेश्चन आपको नहीं याद है, तो आप लोग इसी तरह से उपखंड ख के क्वेश्चन को क में ही लिख दिए, ऐसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए उपखंड क दिया जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस तरह से यहाँ पे पहला है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी f इक्वल दे दिया है 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, यानी इसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम आपको हल करके बताते हैं। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, 1 नंबर वाला। तो देखिए वक्रता त्रिज्या का जो सूत्र होता है वो होता है 2f, ठीक है, यहाँ पे 2f बराबर r, ये भी होता है। और इसको अगर आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो पक्षांतर करके, यहाँ पे f इक्वल r बाई 2, ठीक है, ये जो 2 है यहाँ पे गुणे में है और इधर आ गया ये, तो यहाँ पे बटे में क्या हो गया, यहाँ पे भाग में हो गया, तो इस तरह से f बराबर r बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप सभी को किस तरह से रखना है, तो यहाँ पे f का मान तो दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और इसके बाद यहाँ पे इक्वल r का मान नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो 2 है यहाँ पे जाएगा, यानी इधर यहाँ पे क्या है, ये बराबर के इधर है, ये भाग में, और ये बराबर के सब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके इंटू में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे 15 इक्वल यहाँ पे r। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 30, यानी यहाँ पे 30 और यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या का मात्र। तो इस तरह से यहाँ पे इतना आंसर आ गया। और जो भी यहाँ पे ऑप्शन है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी राइट है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को लगाना है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क
कैसा होता है, ठीक है, किस तरह से दिखाई देता है और वो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है कि सीधा होता है तथा सीधा दिखाई देता है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो वो वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है उसको क्या करता है, सीधा हम लोगों को दिखवाई देता है, ठीक है, यानी सीधा के संकेत देता है वो। तो इस तरह से ये गलत है। नेक्स्ट, उल्टा होता है तथा उल्टा ही दिखाई देता है, ये भी गलत है, क्योंकि उल्टा तो हमारे रेटिना पर चित्र बनता है, लेकिन हम किसी को देखेंगे वो उल्टा थोड़ी ना दिखेगा, उसका पैर ऊपर और जो सर है वो नीचे रहेगा, ऐसे थोड़ी नहीं होता है उसको, ठीक है, उसका पैर नीचे और सर ऊपर ना देखते हम लोग। तो इस तरह से इसके बाद देखिए, सी उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है, ये बिल्कुल राइट है। किसी भी हम वस्तु को जब देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है वो क्या करता है, सीधा का अनुमान बताता है, यानी सीधा हमें दिखाई देता है, प्रतीत होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो देखिए, सबसे अधिक विचलन किसका होता है, यहाँ पे लाल रंग का होता है कि पीला रंग का, हरा रंग का कि बैंगनी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, क्योंकि देखिए जो बैंगनी रंग है इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो कम होता है, ठीक है, और इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए क्या होता है कि बैंगनी रंग का विचलन भी अधिक होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट, चौथा, एक टेस्ला बराबर है, यानी एक टेस्ला, टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक टेस्ला बराबर है, तो यहाँ पे एक टेस्ला बोला है, तो यहाँ पे एक वेबर मीटर प्रति मीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, विद्युत जनित में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, तो विद्युत जनित में जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है वो आर्मेचर होता है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, यानी विद्युत शक्ति मतलब सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, उपखंड ख, उपखंड ख में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसमें से उष्मा क्षेपी अभिक्रिया पूछ रखा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे सी प्लस ओ टू और यहाँ पे एरो, ठीक है, तीर का निशान, यहाँ पे CO2 रिएक्शन करके बना, प्लस इसमें से कुछ ऊर्जा यानी उष्मा छिपी का मतलब उष्मा यहाँ से निकला, ठीक है, तो यहाँ पे 94.45 किलो कैलोरी इसमें से ऊर्जा निकला, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ये फर्स्ट वाला राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे किसी बिलियन की पीएच किसकी माप है, तो यहाँ पे देखिए किसी बिलियन की पीएच जो है वो किसकी माप है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, किसी एल्कीन का सूत्र है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको एल्कीन का सूत्र क्या होता है, यानी आप सभी को ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका सूत्र होता है CnH2n, इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन है यानी सी है, अब कार्बन की संख्या इसमें आप सभी को जैसे रखना है, यहाँ पे चार, आप लोग चार रख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया C4 और H क्या है, यहाँ पे दो है और इसके बाद ये इंटू है, ठीक है, दो से ये गुणे में है। अब N की संख्या यहाँ पे कितना हमने रखा है, चार रखा है, ये क्या है, N की संख्या है, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे इंटू करके यहाँ पे चार रख देंगे, तो यहाँ पे हो गया C4 और H, चार दुना के आठ, एट, तो ये क्या है, ये एल्कीन का सूत्र है और इसी पर ये क्या हो गया, यहाँ पे C4H8, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूड़ का सूत्र जो होता है रासायनिक सूत्र, वो CaOCl2 है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है, कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड। अधातु है, इसमें से देखिए अधातु पूछ रखा है कौन सा है, देखिये ये पोटेशियम है, ये क्या धातु है, और एल्यूमिनियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है, लेकिन जो ये यफ है, यफ यानी कि ये क्या है, फ्लूओरीन है, ठीक है, फ्लूओरीन जो है वो अधातु है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, यहाँ पे देखिए प्रोपेनल हो सकता है या प्रोपेनल भी लिखा जाता है, तो प्रोपेनल यानी नल का जो होता है वो CHO, ठीक है, इस तरह से CHO, इसको क्या कहते हैं, नल कहते हैं, तो यहाँ पे इसमें प्रोपेनल का सूत्र जो है वो CHO है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट। यहाँ पे देखिए उपखंड ग आ गया, क्वेश्चन है 14, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है, तो यहाँ पे रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो 55 से 65 होती है, यानी इनके बीच में क्या है, इसमें सी है, तो यहाँ पे 60% होती है,
नेक्स्ट है निम्न में से यहाँ पे फाइटो हार्मोन कौन सा है, तो देखिए ऑक्सीन जो है फाइटो हार्मोन है। फाइटो हार्मोन का मतलब जो पादप में पाए जाते हैं यानी पेड़ पौधों में पाए जाते हैं ये फाइटो हार्मोन, ठीक है। तो ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, और यहाँ पे साइटोकाइनिन है, यानी ये तीनों है, यानी ये ऑप्शन डी ये सभी है। नेक्स्ट 16 फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, देखिए फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बायां अलिंद में, ऑप्शन यहाँ पे क्या है ए राइट है, ठीक है बायां अलिंद में। क्वेश्चन है पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के चार भाग होते हैं, ठीक है पुष्प में चार भाग होते हैं, पहला है कैल्किस, ठीक है कोलोरा और पुमंग जायांग, यानी ये चार भाग होते हैं। जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x होती है, ऑप्शन सी राइट है। 19 क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है पेड़ पौधों में जो ये जाइलम है इसका क्या कार्य होता है, तो यहाँ पे देखिए जाइलम जो होता है वो पेड़ पौधों के जड़ों में होता है और ये जड़ों के जैसा होता है, ठीक है पाइप नुमा होता है, और इसमें क्या होता है कि जो जड़ होते हैं वो मिट्टी में से पृथ्वी में से क्या करते हैं धरती में से पानी को ले जाते हैं पौधे के बिल्कुल ऊपरी सिरे तक देते हैं, ठीक है यानी ये क्या जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का संवहन करना, जल का वहन करना, ठीक है ये क्या करता है जल को अपने यानी कि मिट्टी में से जल को लेकर के वो पेड़ पौधे के ऊपरी सिरे तक जल को पहुंचाता है, जिससे पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट उपखंड क, अब देखिए यहाँ से उपखंड क आ गया और ये है फिजिक्स के क्वेश्चन, यहाँ पे प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की यानी ये यन का मान है, ठीक है अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो ये चार नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना 1.50, ठीक है ये अपवर्तनांक दिया हुआ है, और यहाँ पे कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल यानी इसका बराबर क्वेश्चन मार्क, इसके बराबर नहीं दिया है, इसका मान हमको निकालना है। निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है 3×10⁸ मीटर, ठीक है सेकंड, यानी यहाँ पे सेकंड इनवर्स है, ठीक है इस तरह से आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, और इसको मीटर पर सेकंड। और इसके बाद देखिए ये किस सूत्र से लगेगा, तो यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक, ठीक है कांच का अपवर्तनांक इक्वल यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे देखिए कांच का जो अपवर्तनांक है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, कांच का अपवर्तनांक 1.50 है, और इसके बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल भी दिया था 3×10⁸ होता है, ठीक है तो इस तरह से ये भी दिया था यहाँ पे, और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान जो है कांच में प्रकाश की चाल का मान जो है नहीं दिया है, ये हमको क्या करना है निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पे लिखना है कांच में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये कांच में प्रकाश की चाल जो है ये बराबर के इधर चलाएगा और ये जो है ये इसके स्थान पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम पक्षांतर कर रहे हैं, ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल ठीक है कांच में प्रकाश की चाल और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर तो रहेगा 3×10⁸ इसके बाद यहाँ पे ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.50 ये नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3×10⁸ है और नीचे है यहाँ पे 1.50, अब इसका इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से करना है यहाँ पे ठीक है, ऊपर नीचे आपको इस तरह से 100 का गुणा करना है ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका दशमलव भी हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा यानी यहाँ पे 2 0 एड हो जाएगा और यहाँ से दशमलव हट जाएगा 2 0 से, तो ये हो जाएगा 300×10⁸ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 ठीक है। अब यहाँ पे 150 300 को कितने बार में काट रहा, 2 बार में, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2×10⁸ ठीक है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड इस तरह से। ये क्या है, कांच में प्रकाश की चाल यानी भी का माना गया।
इस तरह से आया हुआ है, ठीक है, आप लोग पूरा ऐसे ही लिख लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से पहला यानी अधिकतम आय और दूसरा बी न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, ठीक है, न्यूनतम प्रतिरोध यानी कम और अधिक प्रतिरोध प्राप्त हो सके, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग सिर्फ अधिकतम प्राप्त करोगे तो आपको 2 ही नंबर मिलेगा और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करोगे, दोनों प्राप्त करोगे तब आपको 4 नंबर मिलेगा। चलिए हम आप सभी को बताते हैं किस तरह से आपको इसको प्राप्त करना है। सबसे पहले ऑप्शन ए है यानी अधिकतम प्राप्त करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, कौन कौन प्रतिरोध को, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम, ठीक है, इन 4 प्रतिरोधों को सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आर बराबर, ठीक है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इस तरह से होता है, और प्लस आर फोर। अब यहाँ पे देखिए R इक्वल हम यहाँ पे रख देंगे, पहला है 4 ओम प्लस यहाँ पे दिया है 8 ओम क्वेश्चन में, प्लस यहाँ पे 12 ओम प्लस यहाँ पे 24 ओम, इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए हम जब इसको एड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 ओम आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से 48 ओम आ गया, यानी R का मान यहाँ पे 48 ओम आ गया, यह अधिकतम ये है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें न्यूनतम के लिए प्राप्त करना है, न्यूनतम के लिए प्राप्त करना है, तो अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि न्यूनतम प्रतिरोध पाने के लिए उपयुक्त 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में रखा जाएगा, ठीक है। समांतर क्रम को पास्य क्रम भी कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो समांतर क्रम का सूत्र है यानी हमें R इक्वलेट निकालना है, तो यहाँ पे 1/k R इक्वलेट इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस यहाँ पे 1/r3 प्लस यहाँ पे 1/r4, इस तरह से। अब हमें इस सूत्र पे फिर से उन 4 प्रतिरोध को रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्वलेट इक्वल यहाँ पे 1/k सबसे पहले 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/k दिया है 8, प्लस यहाँ 1/12 प्लस यहाँ 1/24, इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसका हम इस तरह से एलसीएम ले लेते हैं 24, तो यहाँ पे 24 ले लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 4×6=24, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 8×8 16, 8×3=24, 3 बार 12×2=24, इसके बाद 24×1=24, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसमें हमने 24 को यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और यानी कि यहाँ पे 24 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 4, इसको 4×24 में हमने किया, यानी कितने बार में इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे 4×6=24, 8×3=24, 12×2=24, 24×1=24, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, और इसके बाद इसको आपको एड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आर इक्वलेट इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, 6×3=9 हो गया, 9×2 क्या हो गया, 9×2=11 हो गया, 1×12 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 12×24, ठीक है, इस तरह से 12×24 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 24×1=24 हो गया, यहाँ पे 24×1=24 बराबर यहाँ पे आर इक्वलेट का 12 करेंगे, तो यहाँ पे आर इक्वलेट इंटू यहाँ पे 12, ठीक है। अब देखिए इस ये 12 जो है यहाँ पे इंटू में, और ये बराबर के इधर जब जाएगा तो ये भागे में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R इक्वलेट इक्वल 24×12, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्वलेट इक्वल 24×12 हो जाएगा। तो ये कितने में, यानी 12×12, 12×2=24, तो यहाँ पे क्या हो गया, R इक्वलेट इक्वल यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 12×2=24 यानी 2 ओम, इस तरह से ये क्या हो गया, ये न्यूनतम है यानी ये कम है, और ऊपर वाला 48 आया था तो वो क्या हो गया, अधिक हो गया। तो इस तरह से आप सभी को ये पूरा क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा पूरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे पहले मैं आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे
क्लास 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा ने जो हाल फिलहाल आपका एग्जाम चल रहा है उसके सभी सब्जेक्ट के आपके क्लास 10 के वायरल पेपर हमारे चैनल पे कुछ आ गए हैं और कुछ अभी आएंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी से जो भी आपको अर्धवार्षिक पेपर का वायरल पेपर चाहिए जिस सब्जेक्ट का आप लोग जरूर कमेंट कीजिए सभी लोग, तो हम आपको तुरंत ही वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और इससे पहले हमने हिंदी का पूरा आंसर के साथ बता चुके, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, या आप लोग सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे कि अर्धवार्षिक क्लास 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियो आ जाएगी, आसानी से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी पेपर आपको चाहिए, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, तो आप लोग ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, हमारी वहां पे वीडियो आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, ये किस प्रकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, हेडिंग डालना है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी तात्पर्य का मतलब किसे कहते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, दो चुंबक रखा हुआ है ऐसे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से चुंबक होता है, यहाँ पे यन है और यहाँ पे यस है। ये घोड़े के नाल का आकार का होता है, तो इस तरह से चुंबक रखा हुआ है। अब इस दोनों चुंबकों के बीच में ये जो क्षेत्र है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई लोहा लाएंगे, आप लोग बचपन में खेले होंगे चुंबकों से, एक चुंबक को भगाते हो या लोहा, इसमें क्या होते है यहाँ पे दो चुंबक रखे रहेंगे तो उसके बीच में अगर आप लोग लोहा रखोगे तो वो इधर उधर दोनों तरफ खिंचाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी दो तरफ हम चुंबक रख दिए तो इसके बीच में जो यहाँ पे खाली स्थान है इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे इन दोनों चुंबकों का प्रभाव उस चीज पर, यानी कोई भी कुंडली है या कोई भी लोहा है उस पे इन दोनों चुंबकों का प्रभाव हो, ये अपने ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करे। ठीक है, तो उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, ठीक है, जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, वही बात है। इसके बाद देखिए आप सभी को मात्रक भी लिखना है, जो भी कोई भी परिभाषा आ जाए आपको मात्रक जरूर लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे चार नंबर मिलेंगे। इसका मात्रक देखिए टेस्ला होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। और इसके बाद देखिए इस कैसे उत्पन्न होता है, तो गतिमान विद्युत आवेशों और मूल कणों के अंतर्भूत चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा उत्पादित होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन चौथा, आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का यहाँ पे सम्मिश्रण होता है। ठीक है, तो आप सभी को ये काफी सरल है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, बहुत ही सरल है। आपको इस तरह से प्रिज्म बनाना है और यहाँ पे आप सभी को ऐसे प्रकाश डालना है एक, और यहाँ पे ये कई प्रकाश में इस तरह से विभक्त हो जाता है, काफी सरल है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अथवा इसमें अथवा यह है, यानी आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, छह नंबर का क्वेश्चन था और ये छह नंबर का। देखिए आप सभी को लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें प्रिज्म बनाना है, इसके बारे में लिखना, और अगर आप लोग को न्यूमेरिकल आता है, सवाल आता है, तो आप लोग न्यूमेरिकल लगा लीजिए। ठीक है, दोनों अथवा दोनों से एक ही करना है। अगर आप लोग सवाल लगाते हो तो यहाँ पे पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे, अगर पूरा सवाल सही रहेगा तब। अगर थोड़ा सा भी सवाल आप लोग गलत किए हो तो यहाँ पे तुरंत आपका नंबर, स्टेप मार्किंग होता है, यहाँ पे आपका आपको दो नंबर मिलेगा या चार नंबर मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप लोग सही सही करते हो, थोड़ा आप लोग अपने शब्दों में भी बना दिए फिर भी छह नंबर का है, तो आपको पांच नंबर तो पक्का मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पे क्लास 10 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग सर्च भी उसी तरह से कर लीजिएगा। और अगर आपको साइंस में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक की वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसी वीडियो के लास्ट में भी हम आपको वो वीडियो लगा देंगे, उसको देख सकते हो, या आप लोग सर्च कर लीजिएगा विज्ञान में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, वहां पे हमारा आ जाएगा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपखंड ख, यानी ये आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। यहाँ पे पांचवा का ए है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पे दो यौगिक है, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप सभी को IUPAC नाम कैसे निकाला जाता है, आपको कैसे यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कार्बन को क्या कहते हैं, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें, अगर एक कार्बन है ठीक है तो उसको मेथ कहेंगे, और अगर दो कार्बन है, कार्बन की संख्या है ठीक है काउंट हो रही है कार्बन की, दो कार्बन है तो उसे एथ कहेंगे, और अगर तीन कार्बन है
कार्बन की संख्या कितनी है, तीन है, तो उसे यहाँ पे प्रोप कहेंगे, और चार है यहाँ पे तो ये ब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी को सबसे पहले हमने ये बताया, और उसके बाद इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे त्रिपल बांध है तो इसमें क्या होगा, आयन लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, आयन, ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे काउंट करना है, यहाँ पे कार्बन की संख्या एक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बन की संख्या एक है, यहाँ पे भी कार्बन की संख्या यानी दो हो गया, और यहाँ पे तीन हो गया। इस तरह से यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, तीन है, तो इसमें से कौन सा लगेगा, कार्बन तीन के लिए प्रोप लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोप हो गया प्लस इसमें ट्रिपल बांध है यानी आयन हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका आईयूपीएसी नेम है, जो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा, प्रोप आयन, यानी देखिए यहाँ पे प्रोप था यानी तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, और यहाँ पे इसमें आयन में आ की मात्रा था तो यहाँ पे प में आ की मात्रा लग गया, बाकी इन, तो इस तरह से क्या हो गया, प्रोपाइन, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से CH3 CH2 CH2, ठीक है, और यहाँ पे CHO। अब यहाँ पे देखिए CHO यानी यहाँ पे अल समूह लगा हुआ है, ठीक है। और कार्बन की संख्या यहाँ पे सबसे पहले आप लोग काउंट कर लीजिए, एक है, दो, तीन, चार, कार्बन की संख्या चार है, चार कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ा है अल समूह, यानी यहाँ पे CHO जहाँ पे रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसमें अल समूह लगेगा, ठीक है, क्रियात्मक समूह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार कार्बन है तो यहाँ पे ब्यूटेनल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, यहाँ पे इसका हो जाएगा ब्यूटेनल, दूसरे का, यानी यहाँ पे दूसरे का ब्यूटेनल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ऐसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है बी, पांचवे का, निम्न में से आईयूपीएसी नाम लिखिए, यानी आपको न्यूपेंटेन का आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है, और यहाँ पे द्वितीयक ब्यूटील एल्कोहल का इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप सभी को इसका क्या करना है, सबसे पहले आपको संरचना सूत्र लिखना है। इसका संरचना सूत्र में आप देखिए यहाँ पे न्यूपेंटेन, बहुत ही ये सरल है, सिर्फ नाम इसका कठिन लग रहा है। देखिए इसको किस तरह से आपको करना है, न्यूपेंटेन यानी पेंटेन को यहाँ पे देखिए एक कार्बन की संख्या हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यानी अगर कार्बन कितना रहेगा, पांच कार्बन रहेगा तो वहां पे पेंट कहाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूपेंटेन पूछ रखा है तो यहाँ पे कार्बन की संख्या ऐसे आपको संरचना बनाना है जिसमें कार्बन की संख्या पांच हो, तो इस तरह से। और न्यू देखिए कैसे कहते हैं, ये न्यू किस तरह से हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, और इस सी से क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे जुड़ा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे CH3 सभी की तरफ, यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे CH3 इस तरह से जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे एक कार्बन से इस तरह से एकल बांध से, ठीक है, चार यहाँ पे CH3 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 जुड़े रहेंगे, तो उसे यहाँ पे नियो कहते हैं, क्या कहते हैं, नियो। और ये पांच कार्बन इस तरह से हो गए, यहाँ पे देखिए तीन यहाँ पे है, एक यहाँ पे, चार एक यहाँ, पांच, तो यहाँ पे इस पूरे संरचना को नियो कहते हैं, और कार्बन की पांच संख्या है तो यहाँ पे पेंटेन हो गया, नियो पेंटेन। अब इसका यहाँ पे आईयूपीएसी नाम पूछ रखा है, तो इसका देखिए आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से आपको करना है, इधर से भी कर सकते हो, इधर से दोनों तरफ से क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो गया एक और दो, यहाँ पे हो गया इस तरह से, यानी एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे दूसरा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे पर क्या जुड़ा है, यहाँ पे दो ठो यहाँ पे मेथिल जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पे CH3 मेथिल है और यहाँ पे CH3 मेथिल है। तो आपका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दो, यानी दो इस दूसरे नंबर के कार्बन से क्या क्या जुड़े हैं, यहाँ पे दो मेथिल जुड़ा है और दोनों वही नंबर पे जुड़े हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.2, ठीक है। और दो यहाँ पे अगर दो चीज है, यानी यहाँ पे मेथिल की संख्या कितने, दो है, तो इस तरह से यहाँ पे दो को क्या कहेंगे, डाई कहेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.2 डाई, ठीक है, 2.2 डाई, और यहाँ पे ये CH3 CH3 जो जुड़ा है ये मेथिल है, तो यहाँ पे मेथिल, और यहाँ पे क्या है इस तरह से, इसमें CH3 CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे प्रोपेन है, क्या है,
अब यहाँ पे देखिए CH3 जो इस कार्बन से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको तो हमने यहाँ पे 2-carbon-2-dimethyl लिख दिया, और इसके बाद हमारे पास कितने कार्बन बचे, 1, 2, ठीक है, या 1, 2 और यहाँ पे 3, यानी 1, 2, 3 कार्बन यहाँ पे बचा तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कार्बन बचे, तो 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तब, प्रोपेन, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2-carbon-2-dimethyl प्रोपेन, क्योंकि इसमें क्या है एल्केन है, क्योंकि एकल बांध लगा इसलिए यहाँ पे प्रोपेन लग गया है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द्वितीयक ब्यूटील एल्कोहल। अब इसका IUPAC नाम लिखना है आप सभी को, तो यहाँ पे पहले दूसरा लिख दीजिए और ये वाला फर्स्ट था, ठीक है। आप सभी को इसका संरचना बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CH, ठीक है, और यहाँ पे OH, क्योंकि इसमें एल्कोहल लगा है तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे OH जोड़ेंगे, और यहाँ पे CH2CH3 इस तरह से। अब यहाँ से आपको देखिए इस संरचना में कार्बन की संख्या कहाँ से आपको काउंट करना शुरू करना है, तो जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 carbon, 2 carbon और तीसरे नंबर पे ये OH यानी ऑल समूह जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह, तो इधर दूर पड़ रहा है। अब इधर देखिए 1 carbon और 2 ही कार्बन पे ये क्या है जुड़ा हुआ है OH, तो यहाँ से आपको इसको पहला कार्बन मानना है, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, और यहाँ से आपको काउंट करना शुरू करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 carbon है, 4 carbon को ब्यूट कहते हैं यानी ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूट, तो यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा, और यहाँ पे जो OH समूह जुड़ा है यानी ऑल समूह जुड़ा है वो कहाँ पे जुड़ा है, कार्बन दूसरे पर जुड़ा है, तो ब्यूटेन टू ऑल, इस तरह से आप सभी को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको रासायनिक समीकरण देना, आप लोग इसको रासायनिक समीकरण देख लीजिएगा, ठीक है। किस तरह से आपको रासायनिक समीकरण करना है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम आपको बता देंगे। निम्न में से कैसे प्राप्त करोगे, आपको सिर्फ यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखना, आपको इन दोनों के बारे में कुछ लिखना नहीं, सिर्फ रासायनिक समीकरण देना, 2 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहला कि बेकिंग सोडा से धावन सोडा, यानी आपको बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे प्राप्त करना है, तो सबसे पहले देखिए आप सभी को क्या करना है, आपको सूत्र यानी तत्वों का सूत्र याद होना चाहिए, जैसे बेकिंग सोडा है तो उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख देना है NaHCO3, ये क्या है, ये बेकिंग सोडा का सूत्र है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस तरह से एरो लगाकर, और इधर आप सभी को एरो के इधर क्या करना है, धावन सोडा का सूत्र लिखना है, यानी जो आपको प्राप्त करना है, तो यहाँ पे Na2CO3, ठीक है, ये धावन सोडा का सूत्र होता है, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है ना वही चीज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा धावन सोडा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गया, इधर देखिए आप सभी को सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखना है कि किधर यहाँ पे तत्वों की संख्या जो है अणु संख्या बैलेंस है और किधर कम बेसी है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम की संख्या सिर्फ 1 है और इधर सोडियम की संख्या 2 है, N2 लगा यानी 2 सोडियम की संख्या, इधर आपको सीधे से 2 कर देना है, और इसके बाद इधर हम जब 2 कर दिए तो इधर क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 हो गई, ठीक है, और यहाँ पे 3 लगा है ऑक्सीजन की, इधर 3 का इसमें गुणा कर दोगे 6 हो जाएगा, यानी 6 ऑक्सीजन है और इधर सिर्फ 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे CO2 अगर इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से यहाँ पे हमने CO2 लिख दिया, ठीक है, यानी इसमें से CO2 भी निकल गया, और इसके बाद देखिये फिर भी हमारा जो है ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पे 3 और 2, 5 ही सिर्फ है, तो यानी इसमें से, और इधर हाइड्रोजन की संख्या, इधर हाइड्रोजन की संख्या नहीं है, तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर कोई तत्व बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जैसे इधर जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर, ठीक है, लेकिन आपको इधर साइड में लिखना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं H2O इस तरह से। अब देखिये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी अब इस इधर क्या है जो है यहाँ पे सभी तत्वों की संख्या देखिये हम बैलेंस है कि नहीं, देखिए सोडियम की संख्या 2 है, 2 इधर भी होना चाहिए, यानी जितना तत्वों की संख्या इधर होना चाहिए उतना ही इस एरो के इधर भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से सोडियम की संख्या बैलेंस है, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है क्योंकि इधर 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे सभी संख्याएं 2 है, ठीक है, और जो
जहां पे यहाँ पे 3 लगा उसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ऑक्सीजन की संख्या। तो इधर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इधर यहाँ पे हमने H2 इस तरह से लिखा, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 × 6 है, तो यहाँ पे 3 × 2 = 5 और एक ऑक्सीजन में जुड़ा हुआ है 6। इस तरह से हमारा ये रिएक्शन जो है वो बिल्कुल राइट है और बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, इस तरह से आप सभी को प्राप्त करना है बेकिंग सोडा से धावन सोडा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, जिप्सम से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करना है। तो चलिए हम आप सबसे पहले आप सभी को प्राप्त करना है जिप्सम से, और जिप्सम का सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे CaSO4 = 2H2O, इस तरह से ये क्या है जिप्सम है, और यहाँ पे इस तरह से ये 100 °C पे क्या होगा, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे हो जाएगा CaSO4 यहाँ पे इंटू 1/2H2O। ठीक है, और प्लस यहाँ पे यानी इधर ही लिखा है, इधर हम लिख देते हैं जगह नहीं है, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 3/2H2O। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ समझा दें, यहाँ पे 1/2 और 3/2 क्या है, तो यहाँ पे क्या है इस तरह से देखिए 1/2 है और प्लस यहाँ पे दिया है 3/2, 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये नीचे के दोनों समान है तो आपको इस तरह से लिखना है, और ऊपर का जुड़ जाता है तो यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे 2 × 2 = 4, ठीक है, यानी यहाँ पे 2 ही आया है, 1 का इसमें गुणा करोगे वही आएगा, भाग दोगे तो इस तरह से यहाँ पे 2 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इसमें यहाँ पे जो संख्या है वो 2 है, एक तरफ से 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है, इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा, और ये प्राप्त हो गया इस तरह से यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सूत्र जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है, तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो गया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि 7वां, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इस तरह से आपको इस पे लिखना है, हमने पहले से बता चुके हैं, आप लोग वहां से समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। संक्षारण भी हमने कई बार बताया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, आप लोग जरूर जाकर के चैनल पे हमारे क्लास 10 साइंस के प्लेलिस्ट बना, उसको आपको उसमें क्लिक करके सभी वीडियो को आसानी से देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है अवक्षेपण अभिक्रिया, ये भी हमने बताया, अथवा क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक गुण तथा इसके 2 अनुपयोग, यानी यहाँ पे उपयोग लिखना है। ठीक है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण जो है, यानी क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में रासायनिक रूप से कैल्शियम और सल्फेट पाया जाता है, जो घरों की दीवारों तथा छतों पर प्लास्टर के काम आता है। ठीक है, यह सफेद कलर का पदार्थ होता है तथा पाउडर की फॉर्म में होता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिक्स करते हैं, ये कुछ देर में काफी हार्ड हो जाता है और एक अच्छी मजबूती देता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो तेज करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl मिला देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक अभिक्रिया और मजबूत पकड़ को कमजोर बनाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम या बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके गुण। अब इसके बाद इसके उपयोग क्या है, यानी इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है इसको आप सभी लोग जरूर देखे होंगे। ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है वो टूटी हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने में किया जाता है। आप लोग जरूर देखे होंगे, जैसे किसी का भी हाथ में मोच आ जाता है या हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, तो उसमें व्हाइट व्हाइट कलर की कुछ पट्टिया नुमा मोटा सा बंधा होता है। ठीक है, वो जो मोटा सा पट्टिया होता है व्हाइट कलर का, सफेद कलर का, वही क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और वो क्या करता है, वो उस तरह से हाथों में बंध जाते हैं तो जो टूटे होते हाथ है वो सही हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टूटी हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने का कार्य करता है। ये खिलौने, स्टेचू, सजावटी सामान तथा ज्वेलरी बनाने में प्रयुक्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग ये खिलौने, स्टेचू जो होते हैं उसको, सजावटी सामान, जो भी सजावटी सामान होते हैं उसको, और ज्वेलरी, ठीक है, बनाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, चाक बनाने में भी प्रयुक्त होता है। जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें लिखने के लिए जो चाक का यूज होता था पहले, अब तो व्हाइट बोर्ड लग गया है सभी जगह, तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है यहाँ पे बी, यहाँ पे अम्ल तथा क्षारक से आप क्या समझते, दैनिक जीवन में पीएच के 2 अनुपयोग लिखिए।
ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हमने काफी अच्छे तरीके से अम्ल क्षार समझाया हुआ है, पीएच भी, आप लोग जाकर के वहां से वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जो चीजें हमने वहां पे आपको बताया काफी अच्छे तरीके से समझाकर रिएक्शन के साथ यहाँ पे बताएंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन है उपखंड ग, आठवां क्वेश्चन, यानी ये जीव विज्ञान से, पोषण क्या है, उचित उदाहरण सहित स्वपोषी तथा विषम पोषी या परपोषी पोषण को समझाइए, ये चार नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पोषण सबसे पहले क्या है इसको हम आपको बताते हैं। पोषण जीव के द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। देखिए पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जैसे इसमें बोला है कि स्वपोषी और विषम पोषी या उसी को परपोषी कहते हैं। तो देखिए स्वपोषी पोषण होते हैं जो अपना भोजन स्वयं करते हैं, यानी अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीवधारी ऐसे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं तो क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, पड़हरी में, क्लोरोफिल में, ठीक है, और जल में, ये सब में क्या करते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो हरे भरे दिखते हैं। और इसके बाद जैसे इसमें हो गए हरे पौधे भी हो गए और कुछ जीवाणु भी है और नीले हरे शैवाल भी है, ये भी क्या करते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी यानी विषम पोषी जो होते हैं उसमें क्या होता है, विषम पोषी पोषण वह है जिसमें जीव यानी पहले से जो तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं उसे परपोषी कहते हैं या विषम पोषी, यानी वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं विषम पोषी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं मृत जीवी भी आते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, यानी कि अपने भोजन को शरीर से बाहर पचाकर इसे अवशोषित करके मृत कार्बनिक द्रव्यों से प्राप्त करते हैं। परजीवी हो गए, ये अपना भोजन जीवित पोषक से प्राप्त करते हैं। उदाहरण जैसे यहाँ पे जंतु और कवक जो है, कवक क्या होता है ये चट्टानों पर होता है, पहाड़ों पर होता है, और कवक जो होता है यानी उसको जो यहाँ पे शैवाल होता है वो कवक क्या करता है, शैवाल को मिट्टी देता है जिससे शैवाल जो होता है भोजन बनाता है। ठीक है, हरा भरा वो होता है भोजन बनाता है जिससे कवक उसमें, यानी कवक को फंगस कहते हैं। ठीक है, जो कि सभी चीजों में जो सड़ी चीजें उसमें लग जाते हैं, अचार वगैरह में भी लग जाता है। तो यहाँ पे कवक क्या करता है उससे क्या करता है, यानी उससे वो भोजन प्राप्त करता है। तो वो हो गया कवक क्या हो गया, और सभी जंतु जो है वो क्या हो गया परपोषी हो गए, जिसे विषम पोषी भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है अपने सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में सभी बिल्कुल वायरल पेपर के क्वेश्चन है, और ये आप सभी के बिल्कुल न्यू पैटर्न के अनुसार है, यानी जितने क्वेश्चन कटे हैं वो क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल, इसमें आपको एक भी क्वेश्चन वैसे नहीं दिखेंगे जो क्वेश्चन हट गए और इस पेपर में है, इसलिए बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में क्या अंतर है, दो नंबर का क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्ती की क्या भूमिका होती है, ये भी दो नंबर का क्वेश्चन है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया विस्तार से समझिए, चार नंबर का क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते समझाइए, छह नंबर का क्वेश्चन है। अथवा यहाँ पे मानव नर जनन तंत्र का आपको चित्र सहित वर्णन करना है। ठीक है, ये छह नंबर का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का आंसर हमने पहले से बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, काफी अच्छे से समझा कर बताए, और सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। और अगर आप लोग इस पूरे साइंस की तैयारी कर लेते हो तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ऐसे ही आपको और भी क्लास 10th के सोशल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट का हाल फेयरली का पेपर चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और किसी भी सब्जेक्ट में आपको पास होने की ट्रिक चाहिए, कॉपी लिखो चाहिए, किस तरह से कॉपी लिखना है, तो आप लोग को जो भी चाहिए आप लोग सिर्फ उस टॉपिक का नाम और हमारे चैनल का नाम लेकर के यूट्यूब पे सर्च कर देंगे, वहां से हमारी वीडियो आ जाएगी और आप लोग आसानी से उसे देख लीजिए। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।